नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जब चौथे भाव में शनि विराजमान होते हैं तो उसका क्या क्या फल होता है। शनि जब चौथे भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दो तरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें पैदा होती हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान का होता है, माता का स्थान होता है, तो ऐसे लोगों को अपने पेरेंट्स यानी अपने अभिभावकों के साथ रहना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करता है। क्यों डिफिकल्टी पैदा करता है? अक्सर देखा गया कि ऐसे अवस्था में ऐसे लोगों के माँ बाप के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर इशू रहता है। अगर इशू नहीं भी है तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का चौथे भाव में सैटर्न यानी शनि है, उन लोगों के पिता जो है बहुत ज्यादा दूर काम करते हैं, यानी अपने घर से काफी दूर जाकर ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है। इस वजह से ऐसे लोगों को अपने पिता का या माता का प्यार नहीं मिल पाता। अक्सर देखा गया है कि इनके माता पिता के बीच में किसी न किसी बात को लेकर दूरियां पैदा हो जाती हैं। जिनके चौथे भाव में शनि विराजमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता का सेपरेशन यानी डिवोर्स हो गया है और फिर इधर पेरेंट्स मतलब या माता या पिता में से दोबारा शादी करने के बाद उनके स्टेप सिस्टर्स या स्टेप ब्रदर्स यानी सौतेले भाई बहन के साथ भी रहना पड़ता है, जो कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना पसंद है। ये अपने आप को बहुत ही एक सर्वाइवल मोड में रखते हैं, क्योंकि इनका प्राथमिक जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होते, इनको हमेशा कुछ ना कुछ मेंटल इशू रहता ही है। चौथे भाव का शनि जो है व्यक्ति के अंदर चीजों को परखने की कैपेसिटी तो देता है, लेकिन अपनी बात को रखने की कैपेसिटी नहीं देता। ऐसे लोग अगर अपनी बात को रखते हैं तो लोग उनको दबा देते हैं, स्पेशली इनके घर के लोग उनको दबा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये अपने माता पिता से विरोध करके घर छोड़ के दूर भी चले जाते हैं। अपने सौतेले भाई बहनों के साथ विवाद होने की वजह से ये अपने माता पिता से साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। चौथे भाव का शनि 23 साल की उम्र के पहले तक यानी 23 साल की उम्र तक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में इंजरी यानी कि चोट देता है, स्पेशली हड्डियों से रिलेटेड चोट। हड्डी टूटने की संभावना ज्यादा रहती है, स्पेशली पैर में या फिर कमर में, पीठ पीछे रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। स्पेशली वो दशा अगर चंद्रमा की महादशा हो, शुक्र की महादशा हो या गुरु की महादशा में शनि की अंदर दशा हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्तियों को चोट जरूर लगती है। चौथे भाव में अगर शनि विराजमान है तो उसकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ती है। तो दशम भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, यानी शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां पर भूचाल आता है, तो ऐसे लोगों के करियर लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ऐसा आप कह लीजिए कि बचपन में थोड़ा सा उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उनका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव होता है, जिस वजह से वो काम की जगह पर भी बहुत पॉजिटिवली फोकस नहीं कर पाते और अपने आप को हमेशा बुली यानी कि दूसरों के प्रभाव में रहना या उस तरह की स्थिति में रहने की वजह से कामकाज की जगह पर अक्सर अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा फील करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, करियर में यानी काम की जगह पर इनके कॉलीग या इनके बॉस इन लोगों के ऊपर अनिच्छाकृत यानी अननेसेसरी दबाव पैदा करते हैं, यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होने की वजह से ये अक्सर ऐसे लोगों को नर्व रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं और ऐसे लोग थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, ये घर में आकर बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते। हालांकि चौथे भाव का शनि जो है आपको अच्छा घर देगा, अच्छी गाड़ी देगी, हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था देगा, बट उस सुख सुविधाओं को आप बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार या उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चौथे भाव का शनि व्यक्ति को थोड़ा सा लालची भी बनाता है। ऐसे लोग डायरेक्टली कोई रिश्वत नहीं लेते, बट रिश्वत के रूप में वो कुछ ऐसी वस्तुएं लेते हैं जो डायरेक्टली काम पे आए। जैसे अगर एक सब डिविजनल क्लर्क है, वो किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर का पेपर्स ओके करके उसको पास करवाना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में वो क्लर्क उस कॉन्ट्रैक्टर से कभी भी पैसे नहीं मांगेगा, वो बिल्डिंग मटेरियल मांगेगा, वो लेबर जितने भी कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे या लेबर कास्ट के जितने भी लोग होंगे उनको मांगेगा और अपने लिए अलग से घर बनवाएगा।
मतलब वो इनडायरेक्ट रिश्वत लेता है, क्योंकि थोड़ा सा लालच ऐसे लोगों को बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उस अपने लालच को सेफली यूज करते हैं। चौथे भाव के शनि का एक और अच्छा प्रभाव यह है कि ऐसे लोग चैरिटेबल ट्रस्ट में अपना योगदान जरूर देते हैं। अपनी अगर क्षमता है पैसों को दूसरे लोगों के लिए यूज करने की तो करते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे लोगों का जुगाड़ जरूर करते हैं जो इस काम में उनको हेल्प करे। इनके अंदर दुखियों की सहायता करने का एक अजब का एक टेंडेंसी होती है। ऐसे लोग अक्सर ओल्ड होमेज बनाते हैं, यानी वृद्धों के लिए घर बनाते हैं, वृद्धाश्रम या फिर जो रैन बसेरा जिसको कहते हैं, जहां पर होमलेस लोगों को जगह दी जाती है, इस तरह की चीज बनाते हैं, ऑर्फनेजेस बनाते हैं, अनाथालय, हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट में चढ़ने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे जो जिसको स्वयंसेवी संस्थाएं चलाती हैं या किसी के डोनेशन से चलने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, ऐसे लोग ऐसे संस्थाओं का निर्माण करते हैं या फिर अपना उसमें सहयोग डालते हैं। चौथे भाव का शनि व्यक्ति के अंदर दृढ़ शक्ति को भी देता है। ऐसे लोग सेना में अच्छा अपना कुशल लीडरशिप दिखाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर एक अच्छी नेतृत्व करने की क्षमता होती है, स्पेशली बैटल फील्ड में, कामकाज की जगह पर। बैटल फील्ड सेना के लिए युद्ध क्षेत्र होता है, जब वो अपने दुश्मन के सामने लड़ता है तो पूरे जोश के साथ और पूरे मेहनत के साथ लड़ता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने काम की जगह पर हो या कोई भी अदर काम करता हो तो वहां भी वो पूरी तरह से मेहनत करता है, पूरे फोकस होकर काम करता है। ऐसे लोग मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। ऐसे लोग अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, ऐसे लोग अच्छे कंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के काम में अच्छा नाम कमाते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे लोग अच्छे सर्जन होते हैं। चौथे भाव का शनि जो है व्यक्ति को टीचिंग या टीचर बनने की संभावनाएं तो नहीं देता, लेकिन ऐसे लोग डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा देते हैं, यानी किसी भी वस्तु का अगर उसको प्रेजेंटेशन देना हो या उस वस्तु के फंक्शंस यानी उसके कार्य को किसी को समझाना हो तो वो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे से दे पाते हैं। चौथे भाव का शनि व्यक्ति को अपनी माता द्वारा या पिता के साइड से इनहेरिटेंस, यानी उन लोगों को पुस्तैनी जमीन मिलती है, या आप जमीन कह सकते हैं या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, पुस्तैनी चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है या उस पुस्तैनी चीज़ को पाने के लिए कभी कभार केस भी देना पड़ता है। अगर चौथे भाव में शनि के साथ द्वादशेष भी विराजमान है तो ऐसी अवस्था में केस लड़ के ऐसे लोगों को अपने नाम पे जमीन या प्रॉपर्टी करनी पड़ती है। अदरवाइज शनि अगर अकेला रहे बहुत ही आसानी से पुस्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाती है। शनि का एक अंतिम और सबसे स्ट्रांग जो अच्छी चीज अच्छी बात होती है चौथे भाव में, कि ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप में वाहन की सुविधा अवश्य मिलती है, चाहे वो खुद के पैसे से खरीदे या फिर अगर कंपनी में काम करते हो तो कंपनी उनको वाहन प्रोवाइड कराती है, या अगर वाहन प्रोवाइड नहीं करा रही है तो कम से कम उतना पैसा दे देती है कि वो वाहन उनको आराम से उपलब्ध हो जाए, यानी ऐसे लोगों के पास वाहन की कोई समस्या नहीं रहती। तो शनि का उपाय आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई गरीब दुखी आपके सामने है, अगर सहायता मांग रहा है तो उसकी सेवा करें, स्पेशली ऐसे लोग जो लोग बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो अगर ऐसे लोगों को आप चैरिटेबल ट्रस्ट के पास ले जाएं, अगर आपकी क्षमता है उनको पैसे देकर हेल्प करने की तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्षमता नहीं है तो आप कम से कम उनके लिए एक व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप दुखी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करें, दुखी और बीमार लोगों का सलूशन निकालें, उनको सहायता करें, तो शनि का इससे बेहतरीन उपाय कोई नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो कम से कम ऐसे व्यक्ति की ज़रूर हेल्प करें जो आपके अधीनस्थ काम करता हो, या फिर घर में रहने वाले सर्वेंट या नौकर जाकर जितने होते हैं उनकी सहायता करें, और स्पेशली अगर किसी नौकर की बेटी है उनकी शादी दिलवानी है तो उनके शादी में अगर किसी तरह की हेल्प कर सकें तो शनि डेफिनेटली मजबूत होता ही है। और एक उपाय यह है कि गरीब दुखियों को मंदिर के बाहर जैसे जो भिखारी बैठते हैं उनको आप एक टाइम का खाना दे सकते हैं और वस्त्रदान भी दे सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, इससे भी शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।